हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स बिगिन इट। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द टॉयज द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक आर एस एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी आर एस वाई। ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो सिंपली इसने लास्ट में दिया हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। नोटबुक कितने बोला है इसने, x मान लिया हमने नोटबुक की कॉस्ट। दूसरा लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या मान ली हमने, y, ठीक है। फर्स्ट लाइन पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज द टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो जो हमारा नोटबुक की कॉस्ट है वह किसके दो गुने हैं, वह आपके पेन के दो गुने हैं। तो दैट मीन्स जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो किसके दो गुने हैं, आपके पेन के दो गुने हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो हमारी नोटबुक की कीमत है वह आपके पेन की दो गुना अधिक है, ठीक है। तो सिंपली ये हो जाएगा और हमें लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब देखिए, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने इसको पुट करना था इसमें और लीनियर इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, तो हमने लीनियर इक्वेशन निकाल ली है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ए बी एंड सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है इसका, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर क्या है 12 है। तो इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन में बदलेंगे हम, तो किस में कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.35 के ऊपर 12 इज इक्वल टू जीरो। अब कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होने के बाद ये कह रहा है कि हमने उसमें a b एंड c की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी ये 3 एंड सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, इसको इधर लिख लेता हूं, सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस, सिंबल का हमेशा ध्यान रखना, माइनस 9.35, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बस जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट करना है और सिंपल ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट है इसका, एक्स माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले हमें y अलग करना पड़ेगा इससे, तो x माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं एंड y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हर इक्वेशन में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो आप सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए, x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हम 1 मान लेंगे क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है 1 से, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस 1 अपॉन 5, स्मॉल b लिखते हैं,
माइनस वन अपॉन फाइव एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टेन, क्या हो जाएगी माइनस टेन। सिंपल से हमने क्या किया है, इसको पहले ए बी की वैल्यू में हमने कन्वर्ट किया है और देन वैल्यू पुट कर दी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब सिंपल इसको भी क्या करना है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब इसमें कन्वर्ट करेंगे हम इस इक्वेशन में, ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस, अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, अब हमें ए बी एंड सी की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस टू, टू क्या है माइनस में है तो इसलिए माइनस टू लिख दिया। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी थ्री और सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस सिक्स। ठीक है, सिंपल से हमने वैल्यू लिख दी है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये दिया हुआ है तो इक्वेशन हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई प्लस, अब सी की वैल्यू नहीं है तो यहां जीरो लिख लो इज इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो वन हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये माइनस थ्री और सी की वैल्यू हो जाएगी ये जीरो। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। अब बढ़ेंगे हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट इज टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई। अब सिंपली हमने इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स प्लस ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा फाइव वाई प्लस, अब सी की वैल्यू नहीं है तो जीरो मान लो इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू आ गई फाइव और सी की वैल्यू जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स और सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि ए और सी की वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ए एक्स की वैल्यू दी हुई है 3x, अब y की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 0y कर लो, प्लस c की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अब वैल्यू मिल गई, अब लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c की वैल्यू क्या है 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं हम सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट इज y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास y और c यानी कि a x b y और c जो दिया हुआ है, c की वैल्यू दी हुई है, हमने सिंपली क्या करना है x फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है a x प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिंपली ये फॉर्मूला दिया हुआ है और हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है, a x वाला टर्म तो नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे जीरो x मान लेंगे प्लस, अब देखो y के साथ नहीं है तो वन मान लेंगे, उसको सिर्फ y ही लिखते हैं प्लस, अब ये माइनस टू है तो यहां माइनस ही लिख देते हैं माइनस टू। चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर प्लस लिख सकते हैं और अंदर ब्रैकेट के साथ माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही है लेकिन हम सिंपल से लिख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन एंड सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस टू। यही आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं एट पार्ट पे। एट पार्ट है हमारे पास 5 इज इक्वल टू टू एक्स। अब हमें क्या निकालना है, बी वाई की वैल्यू निकालनी है और ए एक्स की वैल्यू है और सी की वैल्यू है हमारे पास, तो फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब ए एक्स इसको आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस, नहीं है तो जीरो मान लो, प्लस सी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, b की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो और c की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव। अब सिंपल से है हमारे पास ये वाले क्वेश्चन, तो हम इनको सिंपली ही सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमने इन इक्वेशनों को कन्वर्ट करना था, a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी, तो सिंपल हमने पहले कन्वर्ट किया और देन a b एंड c की
वैल्यू फाइंड की है। अब सिंपली थोड़ा सा अजीब से दिए हुए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास इस टाइप से दिए हुए हैं तो हम कैसे करेंगे। तो जहां पर अगर जैसे इसमें देखिए, इसमें ax नहीं दिया हुआ है तो हम उसको जीरो मान लेते हैं, मतलब जो भी टर्म ना दिया हुआ हो उसको मान लेंगे हम जीरो, ठीक है। और जीरो मानने के बाद जो जो हमारे पास दिया हुआ है वो हम सिंपली मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ जो हमारा 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय।